नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू नेपोलियन किनको कहा जाता है? और 1893 सितंबर 11 में शिकागो का धर्म सम्मेलन में भारत का मान रखे थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ विवेकानंद के बारे में। चलिए उनका विचारधारा और उनका समझ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विवेकानंद शिक्षा जैसी चीजों को बहुत गहराई से समझे थे और हमको इसके बारे में जानना सख्त जरूरी है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। उनका पिता विश्वनाथ दत्त और उनका माता भुवनेश्वर देवी थी, और उनका भाई भूपेंद्र नाथ दत्त। हालांकि विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उनको बचपन में नरन करके पुकारते थे। ये बात है कि वो एक अमीर परिवार में जन्म हुए थे। उनका पिता एक वकील हुआ करते थे कलकत्ता कोर्ट में, और उनका माँ एक धार्मिक महिला थी। विवेकानंद बचपन से ही खेलने में और पढ़ाई में अच्छे थे, और उनकी माँ के वजह से वो थोड़ा धर्म की ओर झुके थे। जब वो 8 साल के थे, साल 1871 में, तब वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में और उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे। वो पश्चिमी दर्शन, ईसाई और विज्ञान की संपर्क में थे, और तो और वो संगीत के संपर्क में भी थे। किसी टाइम खबर आती है कि उनका पिता का देहांत हो गया है, तो विवेकानंद परिवार का प्रॉपर्टी का बंटवारा करने और उनका लिए हुए कर्ज चुकाने में फंस गए, और इसलिए वो जॉब्स ढूंढते रहे। और इसी दौरान वो गरीबियों का महसूस किए। हालांकि पहले गरीबों का वो मदद करते थे, लेकिन वो गरीबों को गहराई से समझे। इसी दौरान वो रामकृष्ण परमहंस से उनका मुलाकात होती है। रामकृष्ण परमहंस किसी एक धार्मिक सम्मेलन में आए थे। उस टाइम विवेकानंद जी का गाना उनको पसंद आया, और किसी वजह से वो एक दूसरे को जान पहचान हो गई। साल 1888 में विवेकानंद अपना मठ छोड़ के इंडिया का ट्रैवल करने के लिए निकल पड़ते हैं, और सिर्फ उनके पास एक पानी का मंडल और एक स्टिक और उनका दो फेवरेट बुक भागवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये लेकर निकल पड़े। ये कहाँ पे भीख मांगते थे तो कहाँ पे दान करते थे। इनका ट्रैवल के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी, कभी पैदल तो कभी ट्रेन में, बहुत सारे जातियों से मिलते हैं, बहुत धर्म का लोगों से मिलते हैं, बहुत भाषा लोगों से मिलते हैं। कभी हिंदू तो कभी मुसलमान, कहाँ पे क्रिश्चियन तो कहाँ पे सिख, किसी राजा से तो किसी प्रजा से, किसी विद्वान से तो किसी सरकारी कर्मचारी से। इसी तरह वो इंडिया को अपने नज़र में देखते रहे और समझते रहे। और इसी दौरान शिकागो में 1893 सितंबर 11 में एक धर्म सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट किए और इंट्रोड्यूस किया हमारा भारत के और उनके विचारधाराओं के बारे में। और उनका भाषण का जो कि पहला लाइन वो बहुत फेमस है, मैं तो क्यों नहीं बताऊंगा उसके बारे में। तो वो बोले थे कि ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इसके सुनकर तो वहां के लोग चौंके और कहने लगे कि अरे ये हमको कैसे भाई पुकार सकता है, कि ये कहाँ से आया, किसी जात का, किसी धर्म का, किस क्या भाषा बोलने वाला। सब चौंक गए और खड़ा होकर 10 मिनट तक ताली बजाते रहे। और यही रियलिटी दोस्तों, हमारा भारत में भी बहुत सारे भेदभाव है। तू ये जात का, वो उस भाषा का, वो इस धर्म का, तो खून तो एक ही जैसे है ना।
विवेकानंद का समझ ऐसे थी कि हम सब भाई हैं। विवेकानंद समाज के लिए और युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारे उपदेश दिए हैं जिसके हम सख्त जरूरी है। जैसे कि उन्होंने बोले थे कि उठिए, जागिए और अपना मंजिल की तरफ भागिए। अगर भाग नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल नहीं पा रहे हैं तो घसीटिए, अगर घसीट नहीं पा रहे हैं तो रेंगिए, लेकिन रुक मत जाइए, क्योंकि रुकने का दूसरा नाम होता है मृत्यु। विवेकानंद जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों हमारा समाज के लिए। वो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और भारत में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापित किए थे। बहरहाल विवेकानंद अपनी कम उम्र में ही उनका शेष निश्वास त्याग किए। 4 जनवरी 1902 बेलूर मठ में वो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन वो हमेशा की तरह हमारा दिलों में रहेंगे। धर्म के बारे में उनका क्या विचार था और धर्म सम्मेलन अमेरिका में क्या और बातें बताए हैं, इसकी चर्चा मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में करूँगा। कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। और वो एक बात कि अपना राय और किन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो नीचे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही बस, तो नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।